तो देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की यहाँ पर संभावना भी जताई जा रही है। इसके बावजूद भी रायसेन में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर नजर आए और कोरोना को लेकर गंभीर भी नहीं दिखाई दे रहे और इसी का नतीजा है कि आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। हमारे संवाददाता अजय गोयल ने रायसेन के जिला अस्पताल का रियलिटी चेक भी किया और वहां पर साफ तौर पर देखने को मिला कि लोग कितना ज्यादा जागरूक है कोरोना को लेकर और लोग यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आए। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों ने ये साबित कर दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। बावजूद ओमिक्रॉन का खतरा भी बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वहीं रियलिटी चेक करने हम रायसेन के जिला अस्पताल पहुंचे हैं। आप यहां देख सकते हैं कि ये जिला अस्पताल है, यहां पर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों को कोरोना को लेकर कोई सतर्कता नहीं है। कुछ लोग यहां पर मास्क लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ लोग मास्क लगाते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर जिला अस्पताल के अंदर की बात करते हैं तो हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं, जिला अस्पताल के अंदर चलते हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी और उसके बाद भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, लेकिन इन महिलाओं में कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। ना ये मास्क लगाए हैं, ना ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं ये व्यक्ति जो खड़े हुए हैं, इनको भी कोरोना की कोई डर नहीं है। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महेश लोधी। महेश जी, कोरोना है, मास्क नीचे रखे हो, कैसे काम चलेगा? सर, अभी इंग्लिश लगा है तो बोलने के लिए बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से लोग पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। भैया रूमाल बांधे हो, मास्क कहाँ है? जी सर, वो मास्क उनको दे दिया मैंने मैडम। मास्क आपका? मास्क मैडम को दे दिया? नहीं, गिर गया था मेरा, इसलिए। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अंदर पहुंच रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ जगह काफी भीड़ है, लेकिन कुछ लोग, अच्छी बात यह है कि कुछ लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए बैठे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपना चेहरा मीडिया को देखते छुपाते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को एक चीज जरूर आ रही है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। और ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है कि आपको देश से कोरोना को भगाना है, जिम्मेदारी से निभाना है इस फर्ज को, लेकिन अपने जिम्मेदारी को यहाँ पर नहीं निभा रहे हैं। आपकी कहीं भी नजर जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग मास्क लगाए हुए तो अगर नजर आएंगे इक्का दुक्का, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी लोग यहाँ पर सतर्कता नहीं रख रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आलम ये है कि इस समय हम ब्लड सैंपल रूम में हैं, यहाँ पर कई प्रकार की जांचें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये भीड़ बता रही है कि हमको कोरोना से किसी प्रकार का डर नहीं है। यहाँ स्टाफ द्वारा बार बार ये बताया जाता है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। वहीं अगर ये लापरवाही जारी रही तो निश्चित रूप से ना हम तीसरी लहर को कंट्रोल कर पाएंगे और ना हम कोरोना जैसी बीमारी को हरा पाएंगे। ये आपकी, हमारी सरकार जो कह रही है, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि कोरोना को अगर रोकना है तो निश्चित रूप से हमको सभी को इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन।